नाउ नेक्स्ट इज द बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन. बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्टली एस्टर प्रिपेयर करते हैं. तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल है, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको हम ट्रीट करेंगे एक परोक्सी एसिड के साथ. परोक्सी एसिड क्या होता है? आर सी ओ थ्री एच. जैसे नॉर्मल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज आर सी ओ एच, इसमें एक और ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं दैट इज द परोक्सी लिंक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन इट इज आर सी ओ थ्री एच और पर एसिड या परोक्सी एसिड. तो किसी भी परोक्सी एसिड से ट्रीट करने पे दोनों में से किसी एक अल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट होता है. ठीक है, नाउ देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू इट कि किस अल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करना है. तो उसके लिए हम एक डायरेक्टली शॉर्टकट याद करेंगे, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज लेंथी, उसका हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है. तो मैकेनिज्म से होगा क्या वो हम देखते हैं. अब देखो, जैसे कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन है, तो दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो सिमिलर है, तो किसी भी एक तरफ हम ऑक्सीजन एटम इंसर्ट कर सकते हैं. अब ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा 7 मेंबर्ड रिंग. ठीक है, ये हो गया. तो एक तरफ ऑक्सीजन इंसर्ट कर गई, ये बन गया एस्टर. यहाँ पर दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप है, तो किसी भी एक अल्काइल और इसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर सकते हैं. और RCO3H की जगह पे वी कैन ऑल्सो यूज MCPBA, दैट इज मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड, विच इज ऑल्सो अ पर एसिड. ठीक है, तो MCPBA लिखा होगा तब भी आपको यही करना है, RCO3H लिखा होगा तब भी आपको यही करना है. ठीक है, अब मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर अल्टीमेटली इट इन्वॉल्व्स अल्काइल शिफ्ट. यहाँ पर अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करता है, तो जो अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करता है मैकेनिज्म में, उसके और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन आती है. तो अगर हमें ये पता हो कि R1 और R2 में कौन सा अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करने वाला है, तो उसके और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन लगा दो. ठीक है, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि किसकी माइग्रेट करने की या शिफ्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. तो डायरेक्टली इसका शॉर्टकट दिखाओ क्या होगा, द ऑक्सीजन इज इंसर्टेड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड द अल्काइल ग्रुप विच हैज हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अमंग आर एंड आर डैश. ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन. ठीक है, बाकी का ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लो. तो इस केस में जो माइग्रेटिंग ऑर्डर, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रेफर करते हो तो हो सकता है आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, बट जो एक स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग मैंने जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा हो दैट इज हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है. मतलब अगर यहाँ पे अल्डिहाइड हो RCHO, तो आपने ऑक्सीजन कहाँ लगाना है, H और कार्बोनिल के बीच में, तब वो एस्टर नहीं बनेगा, तब वो बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो मतलब RCO3H ये अच्छे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं. तो अल्डिहाइड को तो डायरेक्टली ये जहाँ भी आपके पास अल्डिहाइड है RCHO, यहाँ बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करने का मतलब है डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कर देना. तो परोक्सी एसिड की प्रेजेंस में अल्डिहाइड डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है. उसके बाद अब जब कीटोन की बात आएगी, तो R3C ग्रुप लगा होगा, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, फिर R2CH, देन अराइल, देन RCH2, देन CH3. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा उतना उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है. जैसे यहाँ पे फिनाइल और CH3 में ज़्यादा किसका है, फिनाइल का ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम फिनाइल और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे. ये बन गया प्रोडक्ट. अब यहाँ पे जो कार्बोनिल है एक तरफ, यहाँ भी एक तरफ CH3 और एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ठीक है, ये जो भी फिनाइल ग्रुप आगे हैं NH2 COH OH. ठीक है, तो ये हो गया बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन. इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पूछी नहीं जाती, बिकॉज उस केस में फिर जो माइग्रेटरी ऑर्डर है एप्टीट्यूड
वो फिर वेरी कर सकता है, और तो केस टू केस, बुक टू बुक उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली आएगा कि एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो इसमें होता क्या है, क्या बनता है, किसको इंसर्ट करते हैं, तो एक तरह की ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के जो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं जैसे कि KMnO4, HNO3, K2Cr2, 7CrO3, ये सारे तो हैं। नाउ देयर इज अनदर रिएजेंट दैट इज टॉलन्स रिएजेंट, जिसकी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अमोनिकल AgNO3। तो ये सारे के सारे एल्डिहाइड को, ये सारे ही रिएजेंट्स एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाउ टॉलन्स रिएजेंट एज अ टेस्ट यूज किया जाता है एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए। तो अमोनिकल AgNO3 या AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड टॉलन्स रिएजेंट। तो इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये कीटोन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर आपके पास एक मिक्सचर है एल्डिहाइड और कीटोन का, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज एल्डिहाइड एंड विच वन इज कीटोन, तो टॉलन्स रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऐसे RCHO है टॉलन्स रिएजेंट, ठीक है, स्लाइटली बेसिक मीडियम है क्योंकि अमोनियकल सोल्यूशन है, तो स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज तो कर देगा RCOH में, पर क्योंकि बेसिक मीडियम है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन RCO नेगेटिव प्लस। यहां पर जो AG पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, तो ये AG पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस करके सिल्वर मेटल में रिड्यूस होता है, और ये सिल्वर मेटल उस टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम पे। तो बॉटम पे सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, जिसके एक सिल्वर मिरर, मतलब एक शाइनी सा सरफेस अपीयर होगा, दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर। तो उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बॉटम पे कुछ शाइनी सा सिल्वर की लेयर आना स्टार्ट हो जाए, तो यस, इट मींस यहां पे टॉलन्स रिएजेंट का रिएक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब इस रिएक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा हैं, जैसे थर्मस फ्लास्क है तो उसके अंदर पूरा सिल्वर की एक लेयर, एक कोटिंग करनी पड़ती है उसको हीट से इंसुलेट करने, मतलब थर्मल एक इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके अंदर जो सिल्वर कोटिंग होती है वो भी टॉलन्स रिएजेंट के थ्रू ही की जाती है थर्मस फ्लास्क की। सिमिलरली Ag2O के साथ हीट करते हैं तब भी RCOH और 2 सिल्वर डिपॉजिट कर जाएगा, पर यहाँ पर हमने बेसिक सॉल्यूशन नहीं लिया इसलिए हम डायरेक्टली RCOH यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोनों केसेस में ये रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन। अब तो ये CH3CHO, इसके साथ अगर रिएक्शन ये आ गया तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, तो CH3CO नेगेटिव प्लस सिल्वर प्लस NH3। नाउ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑल्सो गिव दिस टेस्ट। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देखो, जैसे CH2OH ये, ठीक है। अब ये अगर बेसिक मीडियम में होगा तो यहां पे क्या है, अगर यहां पर हम टॉटोमेरिज्म करवा देते हैं, ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म से क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, और ये फर्दर टॉटोमराइज कर जाएगा तो यह आ जाएगा CHO, ये वाला कार्बन जो है ये OH यहां पे CHO में कन्वर्ट हो गया, एंड CHOH CH3। तो दो बार यहां पे टॉटोमराइज कर रहा है, तो दो बार अगर टॉटोमराइज करता है तो फाइनली ये जो कीटोन था ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और ये एल्डिहाइड ग्रुप टॉलन्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इस वजह से, तो ऐसा नहीं कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में कीटोन रिएक्ट कर रहा है, पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉटोमराइज करके अपने एल्डिहाइडिक फॉर्म में भी आ जाता है, इसीलिए वो एल्डिहाइडिक फॉर्म टॉलन्स रिएजेंट के साथ सक्सेसफुल रिएक्शन दे देता है। तो वन मोर पॉइंट जो आपको याद करना है वो ये है कि फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देते हैं। तो कौन कौन देगा, फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड ऑल एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, राइट। तो एरोमेटिक के केस में जैसे कि मान लेते हैं हम बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड को टॉलन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, देन वी विल गेट बेंजोइक या बेंजोएट प्लस सिल्वर डिपॉजिटेड, ठीक है। तो टॉलन्स रिएजेंट याद रहेगा,